गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजरी मॉडर्न स्कूल। इन स्टैंडर्ड सिक्स वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट चैप्टर, सो नाउ फॉर द मून अवर सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर इज द सीपीयू। सो हियर वी गो। द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयूज फुल फॉर्म इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आई रिपीट दिस लाइन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। The CPU controls the entire working of the computer. It is called the brain of the computer. जो entire working यानी कि जो भी working है, जो computer का जितना भी working है, वो सारा जो CPU है वो करता है। इसीलिए उसको जो computer है उसका brain भी कहा जाता है। The CPU processes इनपुट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस टू जनरेट इंफॉर्मेशन आउट यानी कि आउटपुट। द सीपीयू प्रोसेसेस इनपुट, इनपुट यानी कि कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस यानी कि प्रोग्राम टू जनरेट इंफॉर्मेशन यानी कि आउटपुट। जो इनपुट है उस पे प्रोसेस करता है सीपीयू, प्रोग्राम की हेल्प से जो हमारा आउटपुट है उसको जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट, द सीपीयू आल्सो स्टोर्स प्रोसेस्ड डेटा विच यू कैन रिट्राइव वेन एवर यू वांट। डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन। सीपीयू आल्सो स्टोर्स प्रोसेस्ड डेटा यानी कि जो प्रोसेस की हुई जो डेटा है यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको सीपीयू है वो स्टोर करता है। विच यू कैन रिट्राइव वेन एवर यू वॉन्ट यानी कि आपको जब भी चाहिए उसको आप उसके उससे रिट्राइव यानी कि वापस ले सकते हैं। अगर कोई भी डेटा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आपने स्टोर की है कंप्यूटर में, तो आपको वो चाहिए थोड़े दिनों के बाद वापस, तो आप उसको उसमें सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और जब भी चाहिए तब आप उसमें कंप्यूटर से ले सकते हैं। यानी कि सीपीयू है वो उसके अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है जिसको हम रिट्राइव कर सकते हैं उसको वो स्टोर कर सकता है। इन शॉर्ट, द सीपीयू प्रोसेसेस डेटा एंड स्टोर्स डेटा प्रोग्राम्स एंड इन्फॉर्मेशन। सीपीयू है वो प्रोसेस करता है डेटा पे, स्टोर करता है डेटा को और प्रोग्राम और इन्फॉर्मेशन को। बिफोर वी लर्न मोर अबाउट द फंक्शंस ऑफ द सीपीयू इन डिटेल, लेट्स अंडरस्टैंड सम न्यू टर्म्स। हम सीपीयू के बारे में डिटेल में देखें उससे पहले हम कुछ न्यू टर्म्स है उसके बारे में देख लेते हैं। उसमें फर्स्ट है सर्किट। सर्किट, सर्किट क्या है? सर्किट, अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स दैट आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस। आई रिपीट दिस लाइन, अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स दैट आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। यानी कि जो इलेक्ट्रिक का जो फ्लो है वो सर्किट में से होते हुए हमारा जो सीपीयू है उसके अंदर जाता है, जिसको हम सर्किट बोलते हैं। चिप, अ पीस ऑफ मटेरियल कॉल्ड सिलिकॉन, इट हैज़ मैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इच और फिक्स्ड ऑन इट। एक चिप, वन चिप, जो एक चिप है वो सिलिकॉन मटेरियल से बनी हुई होती है और उसमें कई ज़्यादा सर्किट्स फिक्स्ड की होती है साथ में एक चिप के ऊपर, उसको हम चिप बोलेंगे। नेक्स्ट, द सीपीयू इज अ बिग चिप विथ मैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑन इट। सीपीयू है वो एक तरह की चिप है जिसमें बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स उस पर होती है। इट इज़ प्लेस्ड ऑन अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कॉल्ड मदरबोर्ड।
ये एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो सीपीयू के अंदर प्लेस किया हुआ होता है, जिसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। When the CPU receives data and instructions from the input devices, it decides what to do, how to do it and which unit will do it। यानी कि हम कोई भी डेटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, जब हम कीबोर्ड में से उसको टाइप करके कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, उसको एंटर करते हैं, तो जो कंप्यूटर है वो उस इंस्ट्रक्शन और डेटा को रिसीव करता है इनपुट डिवाइसेस से, और सीपीयू ही डिसाइड करता है कि इस ये जो इन्फॉर्मेशन इनपुट हुई है उसके साथ क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू यानी कि कैसे करना है, एंड विच यूनिट्स विल डू इट, और कौन सा यूनिट है वो इसके ऊपर वर्क करेगा, वो सीपीयू है वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है। एंड अकॉर्डिंगली इट सेंड्स मैसेजेस टू दोज यूनिट्स टू परफॉर्म द टास्क और प्रोसेसिंग द डेटा, और फिर वो ये जो इनपुट है वो उसको जो हमारे इनपुट के इस सीपीयू के अंदर जितने भी यूनिट्स है उसको भेजता है, और उसके ऊपर उसको इंफॉर्मेशन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है प्रोसेस करने के लिए, और डेटा है उसको फाइंड करने के लिए, यानी कि आउटपुट है उसको फाइंड करने के लिए। ये जो सारी प्रोसेस है वो अभी तो हमें बहुत लंबी लग रही है, लेकिन जो सीपीयू है, जो कंप्यूटर है, वो उसको जल्दी से कर देता है, एक कुछ ही सेकंड्स में कर देता है। After processing the data, the CPU generates information and displays it through the output devices. जब भी कोई भी data है, कोई भी instructions है, उसके ऊपर जब process हो जाए, फिर उसके बाद जो information है, जो generate होती है information, वो output devices के ऊपर उसको display किया जाता है। Thus the CPU controls the working of all electronic unit of the computer। इसीलिए जो CPU है वो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है कंप्यूटर के उसको कंट्रोल करता है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द CPU एक्चुअली functions। CPU है वो एक्चुअली में कैसे फंक्शन करता है वो हम हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू। सीपीयू के जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से होते हैं वो। द सीपीयू इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। सीपीयू है वो थ्री कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट होते हैं। फर्स्ट इज द कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सीयू का फुल फॉर्म, तो हमें बताना है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। देन अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU। देन नेक्स्ट इज मेमोरी। The functions of each of these components of the CPU can be clearly understood from the following illustration। यहाँ पे जो एक डायग्राम दिया गया है जिसकी मदद से हम CPU है वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायग्राम है जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये है हमारा इनपुट डिवाइस, यानी कि जिस डिवाइस से हम कोई भी हमारी जो डेटा है, कोई भी हमारा इन्फॉर्मेशन है जिसको हम एंटर करते हैं सीपीयू के अंदर, ये है हमारा सीपीयू, और ये है आउटपुट डिवाइस, यानी कि जो हमारे आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, मॉनिटर एंड प्रिंटर, और इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड एंड माउस, और ये है हमारा बीच में जो है वो है हमारा सीपीयू। जो
तो इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जब हम इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइसेस से कोई भी डेटा, तो वो सीपीयू के अंदर जाती है। सीपीयू के अंदर क्या होता है? एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी कि एएलयू, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, देन नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी। एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है? तो एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में आप कोई भी एरिथमेटिक या फिर लॉजिकल कोई भी ऑपरेशंस है, जो भी अपने डेटा एंटर किया है वो एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए किया है उसको डेटा को एंटर, तो वो एरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट में जाएगा। फिर उसको कंट्रोल यूनिट में से उसका जो कंट्रोल है यानी कि उसका जो डेटा है वो चेक होगा। देन मेमोरी, मेमोरी में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो डेटा है वो वहाँ पे सेव होगा। और फिर इसके बाद जो सीपीयू है वो उसको जो हमारा आउटपुट है उसको आउटपुट डिवाइसेस को सेंड कर देगा, यानी कि उसको भेज देगा। ऐसे वर्क करता है हमारा सीपीयू। आई रिपीट दिस, फर्स्ट इनपुट डिवाइसेस से हम कोई भी डेटा है उसको इनपुट करते हैं, फिर जो हमारा सीपीयू है उसके अंदर है एएलयू यानी कि एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी। इन तीनों में से जो हमारा एएलयू है वो एरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस है वो सॉल्व करता है, कंट्रोल यूनिट है वो कोई भी डेटा जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कंट्रोल करती है, और नेक्स्ट जो मेमोरी है वो जो भी हमारा इंफॉर्मेशन और डेटा है जो हमारा आंसर है हमें मिला है तो उसको वो जो मेमोरी है वो उसके अंदर उसको सेव रखती है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर हमें चाहिए तो वो हम मेमोरी में से ले सकते हैं। और जो मेमोरी है वो सेव करने के बाद जो हमारा जो आउटपुट डिवाइस है वो आउटपुट है उसको डिस्प्ले कर सकता है, मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा और प्रिंटर पे उसकी प्रिंट भी मिलेगी। ऐसे जो सीपीयू है वो वर्क करता है। तो ये है डायग्राम सीपीयू का। नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू। तो कंट्रोल यूनिट एज द नेम सजेस्ट कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट्स ऑल द ऑपरेशंस इनसाइड द कंप्यूटर। इट कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट ऑफ डेटा एंड मैनेजेस प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। कंट्रोल यूनिट एज द नेम सजेस्ट कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट्स ऑल द ऑपरेशंस इनसाइड द कंप्यूटर। इट कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट ऑफ डेटा एंड मैनेजेस प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। यानी कि जो हमारा कंट्रोल यूनिट है वो कोई भी डेटा है उसको कंट्रोल करता है, उसको डायरेक्ट करता है, और जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन की जो मूवमेंट होती है उसको मैनेज करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है और उसको स्टोर करता है। तो कंट्रोल यूनिट रिसीव्स डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस एंड ट्रांसफर्स इट टू मेमोरी। फ्रॉम मेमोरी द कंट्रोल यूनिट ट्रांसफर्स द डेटा टू एएलयू एंड ऑल्सो गिव्स द नेसेसरी कमांड्स टू एएलयू टू प्रोसेस द डेटा एंड produce information. It's too long. The control unit receives data from input devices. So control unit है वो input devices से data है उसको receive करता है and transfer it to memory, और memory को transfer करता है. From memory the control unit transfers the data to ALU. Memory है वो ट्रांसफर करती है डेटा को एएलयू को, एंड ऑल्सो गिव्स द नेसेसरी कमांड्स टू एएलयू टू प्रोसेस द डेटा एंड प्रोड्यूस्ड इंफॉर्मेशन। और एएलयू को कमांड्स भी देता है कंट्रोल यूनिट, और जो प्रोसेस और डेटा है इंफॉर्मेशन या फिर रिजल्ट जनरेट करने के लिए उस पर
वर्क करता है. द कंट्रोल यूनिट रिसीव्स द रिजल्ट्स फ्रॉम ALU. कंट्रोल यूनिट है वो ALU से उसका जो रिजल्ट है उसको रिसीव करता है एंड अगेन सेंड इट टू मेमोरी एंड देन अल्टीमेटली टू आउटपुट डिवाइस. फिर वो उसको मेमोरी को अगेन उसको सेंड करती है और आउटपुट डिवाइस है उसको भी सेंड करती है. द कंट्रोल यूनिट ऑल्सो कंट्रोल द स्टोरेज ऑफ डेटा इन मेमोरी. जो कंट्रोल यूनिट है वो डेटा है उसको स्टोरेज करता है और उसको कंट्रोल करता है. इट स्टोर्स ऑल प्रोग्राम्स इन मेमोरी. ये जो है कंट्रोल यूनिट वो सारे के सारे जो प्रोग्राम है मेमोरी में उसको सेव कर सकता है. टेक्स इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन एनालिसिस देम एंड देन गिव्स एप्रोप्रिएट कमांड्स टू द अदर यूनिट्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. और पर्टिकुलर टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए ये स्टोर करता है प्रोग्राम और मेमोरी को और इंस्ट्रक्शंस है उसको वन बाय वन एनालाइज करता है उसके ऊपर एनालिसिस करता है और फिर एप्रोप्रिएट कमांड है उसको देखते हुए जो हमारा जो पर्टिकुलर उसका जो टास्क है उसको कंप्लीट करता है. ऐसे जो कंट्रोल यूनिट है वो वर्क करता है. कंट्रोल यूनिट यानी कि CU. देन नेक्स्ट इज एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. यू नो दैट अ कंप्यूटर कैन डू कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस बट हाउ डज इट डू दैट ऑल दैट. जो एरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट है वो हम जानते हैं कि वो कैलकुलेशन और कंपैरिजंस है वो उसको कर सकता है लेकिन कैसे. वी ऑल द एरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस आर डन बाय अ स्पेशल यूनिट ऑफ द CPU. CPU के द्वारा जो एरिथमेटिक और लॉजिक जो यूनिट है कंपैरिजंस के जो टास्क है वो CPU के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. इट इज़ कॉल्ड एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसको हम एरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट बोल सकते हैं. द कंट्रोल यूनिट रिसीव्स डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस एंड ट्रांसफर्स इट टू मेमोरी. जो कंट्रोल यूनिट है वो डेटा को रिसीव करता है इनपुट डिवाइसेस से और ट्रांसफर करता है मेमोरी को. From memory, the control unit sends the data to ALU. और ALU को control unit है उसको send करता है. With instructions to perform the necessary operations, accordingly ALU performs the operations and generates the results. ALU है वो operation को perform करना है और result को generate करता है. The control unit receives the results from ALU and stores it in memory. जो control unit है वो ALU को receive करता है from results from ALU and stores it in memory और memory में उसको store करता है till it is finally sent to output device और फिर वो finally output device को send किया जाता है. ALU performs arithmetic operations. यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशन है वो ALU परफॉर्म करता है उसका एक एग्जाम्पल है 5 + 5 = 10, 6 + 4 = 2, 80 × 2 = 160. ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन और डेटा है वो उसको उस पर परफॉर्म ALU करता है. ALU ऑल्सो परफॉर्म्स लॉजिक ऑपरेशन. इट कंपेयर्स टू नंबर्स टू फाइंड आउट वॉट एवर वन इज लेस देन और ग्रेटर देन द अदर. फॉर एग्जाम्पल 20 > 40 इज फॉल्स एंड 60 < 100 इज ट्रू एक्सेट्रा. ऑल्सो स्टेट्स whether a statement is true or false. For example, 10 + 10 = 20 = 40 is false and 30 × 20 = 600 is true. ऐसे जो भी कोई
टास्क है या फिर ऐसे कोई भी जो परफॉर्मेंस या फिर जो इन्फॉर्मेशन है उस पे ALU है वो वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज सीखा है कंपोनेंट ऑफ CPU में कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। हमारा जो मेमोरी का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और फिर से ये जो सेकंड चैप्टर है उसका एक बार पूरा रिवीजन भी करेंगे। सो नाउ गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।